न्यूज़ नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी आपके साथ। मैं आपको बताऊं, अभी अभी शांति समिति की बैठक ख़त्म हुई है, जिसमें यह तय किया गया है त्यौहार के मद्देनज़र रखते हुए 5 दिन का लॉकडाउन। जी हाँ, 3 दिन आपको मिलेंगे। आप अपने जो भी आपके लिए ज़रूरी सामान है उसको आप खरीद लें। उसके बाद से सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आपके लिए बाज़ार खुले रहेंगे। आप अपने ख़रीदारी करिए, 5 दिन का सामान, राशन और सब्जी, तमाम इंतज़ाम आप कर लें। उसके बाद 5 दिन का लॉकडाउन रीवा शहर में किया गया है। त्यौहारों के मद्देनज़र प्रशासन ने यह कदम उठाया और उनके इस कदम में शांति समिति में बैठे तमाम लोगों ने सहमति दी है। इसका सीधा सा अर्थ है, त्यौहार इस बार घर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्यौहार को घर पे मनाना है। अपने और अपनों का भरपूर ख्याल करना है। 5 दिन का लॉकडाउन, शुक्रवार, मैं आपको फिर से बताऊं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इसके बाद जैसी भी परिस्थिति पैदा होगी उसके हिसाब से आगामी निर्णय किया जाएगा। यह जानकारी पत्रकारों से बातचीत करते हुए रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने दी। आइए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। सभी है ना, हमारी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण और सभी शांति समिति के ना सदस्यगण, सभी लोग रहे थे, सभी लोगों ने अपना अपना विचार रखा है। कोरोना का है ना बीमारी भी है, सभी लोगों को पता है, मतलब है ना रीवा में भी है ना केसेस की है ना संख्या है। उसके साथ साथ हमारी है ना ईद और रक्षाबंधन है ना दो है ना मुख्य त्यौहार हैं, वो भी आ रही है। वो सभी को है ना ध्यान में रखते हुए व्यापारी संघ भी है ना उपस्थित था। उनकी है ना व्यापारी लोगों की है ना लाइवलीहुड है, सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि नेक्स्ट है ना 3 डेज हैं हम लोग वापस अनलॉकडाउन रखेगा। सभी लोग अपना अपना तैयारियाँ ना कर सकते हैं। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 5 डेज के लिए हम लोग ना रीवा में वापस ना लॉकडाउन करने के लिए ना आपदा प्रबंधन समिति की ओर से ना निर्णय लिया गया है। मैं सभी जनता से ना आम नागरिक सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ, त्यौहार है ना मतलब हम लोग है ना मतलब घर पे ना मनाइए। और हमारी हम लोग कितने भी बार बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर्स हैं, इसको बार बार उपयोग करिए और प्रशासन के साथ है ना सहयोग करें। और ईद भी है ना मतलब हम लोग है ना एक मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से ना विश कर सकते हैं। राखी भी मैं चाहता हूँ, सारे भाई हैं, अभी नेक्स्ट 3 डेज हैं, अपना बहनों के लिए ना मास्क और सैनिटाइज़र के ना उपहार के माध्यम से ना उनको सभी को दे। उसके साथ साथ राखी का दिन भी मतलब सभी लोग एक ना ई राखी के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने बहनों का ना विश करें। और कहाँ तक है ना ज़रूरी है, हम लोग है ना एक सामाजिक है ना दूर बना के रखना है, उसको दूर बना के रखें, सब एक साथ है ना हम त्यौहार भी मनाएं, उसके साथ साथ एक कोरोना के साथ लड़ाई है उसको भी जारी रखें। सर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।